जी नमस्कार, ऑल इंडिया रेडियो से मैं हरेंद्र आज़ाद, और अभी हमारे साथ फ़ोनलाइन पर जुड़ रहे हैं प्रोफेसर भरत सिंह। आप सत्यवती कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। सर, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। सर, जैसा कि हम सभी जान रहे हैं, भारत ही नहीं वरन पूरा विश्व एक वैश्विक महामारी COVID-19 जो कि कोरोना नामक वायरस से फैला है, प्रभावित है, और पूरे विश्व स्तर पर इससे बचने के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, और इसने अपने आगोश में जीवन का कोई हिस्सा नहीं छोड़ा है जो प्रभावित नहीं हो। हर मोर्चे पर हम इसका सामना कर रहे हैं, और जैसा कि वैश्विक स्तर पर कई अर्थशास्त्रियों ने, इवन वर्ल्ड बैंक ने, IMF ने, तमाम कई अन्य एजेंसियों ने यह बताया कि इसका असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर कई रूप में पड़ने वाला है। अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर भी कम होने वाली है वित्तीय वर्ष 19-20 और 20-21 में। तो सर, आज हमारे बातचीत का विषय है भारतीय अर्थव्यवस्था पर कोरोना का प्रभाव। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि कोरोना महामारी से भारतीय अर्थव्यवस्था पर कैसे और कितना प्रभाव पड़ा है। एक अर्थशास्त्री होने के नाते इस विषय की गंभीरता को आप समझ रहे होंगे, तो हम चाहेंगे कि आप हमारे श्रोताओं को ये सबसे पहले बताएं कि कोरोना महामारी का हमारे अर्थव्यवस्था पर कितना और कैसे प्रभाव पड़ा है। देखिए भारेंद्र जी, ऐसा है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको मुझे इस कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए और मुझे ये अवसर प्रदान करने के लिए। जी जी। और जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि ये जो महामारी है ये बिल्कुल ही अनप्रेसिडेंटेड, जिसको बोलते हैं अप्रत्याशित, और कोई भी इकॉनमी या अर्थव्यवस्था या सरकार या संस्था इस तरह की महामारी के लिए कोई तैयारी नहीं थी, क्योंकि इस तरह का किसी ने इमेजिनेशन किया ही नहीं था, ये बिल्कुल अकल्पनीय थी जी। तो इसीलिए इसका इम्पैक्ट जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है, और हम तो इकोनॉमिक्स के टर्म्स में बात करेंगे लेकिन इसका सोशल इम्पैक्ट भी काफी है, कल्चरल इम्पैक्ट इसका काफी पड़ता है। फिर भी बहरहाल हम लोग जो है इसको इकोनॉमिक एस्पेक्ट जी, हम आर्थिक मोर्चे पर बात कर रहे हैं जी। तो सबसे पहले देखिए, ये जो बीमारी का जो नेचर है, जो महामारी का ये जो नेचर है, जो इसका करेक्टरिस्टिक्स है, ये क्या है कि ह्यूमन टू ह्यूमन टच करने से या कांटेक्ट में आने से ये फैलता है जी। तो उससे बचने के लिए क्या हुआ कि पूरी दुनिया में और खास करके बहुत ही सही समय पर हमारी सरकार ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने 24 मार्च को लॉकडाउन की घोषणा की जी। अब लॉकडाउन का इम्पैक्ट क्या हुआ? लॉकडाउन का इम्पैक्ट ये हुआ कि जितने भी कल कारखाने थे, जितने भी प्रमुख आर्थिक जो गतिविधियां थी हमारे देश की, उन पर करीब करीब जो है पूर्ण विराम लग गया, और ऐसा माना जाता है कि उसके बाद हमारा इकोनॉमी जो है 25% के कैपेसिटी के साथ काम कर रहा था हर एक क्षेत्र में, एग्रीकल्चर को छोड़ करके। तो उसका इम्पैक्ट क्या हुआ, सबसे पहले कि इनकम आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट, है ना, आय और उत्पादन और रोजगार के ऊपर इसका बहुत ही बुरा असर पड़ा, और अभी भी हम उस चीज से उबर नहीं पाए, हालांकि इम्प्रूवमेंट हुआ है अभी अनलॉक वन के बाद जी। तो GDP में जो है पहला जो क्वार्टर है 2020 का, उसमें उसका रेट करीब करीब 3% के आसपास रहा है, लिटिल मोर देन 3%। और ये मुझे उम्मीद है कि जो सेकेंड क्वार्टर का रिजल्ट आएगा GDP का, जो उसका आंकड़ा आएगा, उसमें ये और कम होने की संभावना है। जब GDP कम हुआ और जब सारे आर्थिक गतिविधियों के ऊपर विराम लग गया करीब करीब, तो उसका असर नेगेटिव जो है वो रोजगार के ऊपर भी पड़ा है। तो इनकम भी लोगों का, जो वर्कर्स थे उनका भी इनकम कम हुआ, जो व्यवसायी थे उनका भी इनकम, आय कम हुआ और GDP कम हुआ, सरकार का इनकम कम हुआ इन फॉर्म ऑफ टैक्सेज एंड अदर रिसीट्स, और आपका रोजगार पे उसका तो बुरा असर पड़ा ही पड़ा। और एक्सपेंडिचर साइड पर हम देखेंगे, एक्सपेंडिचर साइड पर आपका उसमें बहुत ज्यादा फास्टर डिक्लाइन हुआ, क्योंकि सप्लाई चेन सारा जो डिसरप्ट हो गया, फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में काफी ज्यादा डिक्लाइन हुआ, एक्सपोर्ट्स में डिक्लाइन हुआ, उसके बाद में आपका जो प्राइवेट स्पेंडिंग है, जो हम व्यक्तिगत खर्च करते हैं, वो भी काफी कम हो गया, इन्वेंट्री में कमी आ गई, और प्रोडक्शन साइड में सबसे ज्यादा जो हार्ड हिटिंग जो इम्पैक्ट पड़ा है वो है आपका मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर, आपका कंस्ट्रक्शन और जो उसका एलाइड एक्टिविटीज है उसके ऊपर, और वर्स्ट हिट में कहूँगा ट्रेड, होटल्स एंड ट्रांसपोर्टेशन, इसके बाद फाइनेंस एंड रियल एस्टेट
के ऊपर भी इसका बहुत ही बुरा असर पड़ा है। और ये मैं जितना भी एक्टिविटीज आपको बता रहा हूँ इसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन काफी ज्यादा होता है। जी जी जी, रोजगार के जो मुख्य स्रोत थे उन सब पे विराम लग गया। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। इस वजह से क्या हुआ, हमारा ओवरऑल कहेंगे कि जो इन जो एक इम्पोर्टेंट पैरामीटर है इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को एस्टिमेट करने का, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को जज करने का या उसको इवेल्युएट करने का, इनकम आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट, ये इसमें बहुत ज्यादा इसका बुरा असर पड़ा है। जी, मतलब कहा जाए तो अर्थव्यवस्था पर इसका चारों तरफ से चातुर्दिक प्रभाव पड़ा है। जी जी, और फॉर्चुनेटली मैं एक बात बताऊंगा इसमें जी, कि एग्रीकल्चर जो है उसके ऊपर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा है और इंडिया में अभी भी आपका जो एग्रीकल्चर सेक्टर है काफी काफी डोमिनेंट रोल प्ले करता है और सरकार की कुछ नीतियों की वजह से जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है वो बचा रहा और उस पर ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा, तो इसने अर्थव्यवस्था को काफी संभाला है। जी जी जी, तो सरकार की नीतियों के बारे में बात करना चाह रहे हैं कि इस उत्पन्न हालात से जो कोविड के वजह से स्थितियां उत्पन्न हुई उससे निपटने के लिए सरकार के तरफ से अब तक कई कदम उठाए गए, कई तरह के आर्थिक पैकेज भी राज्यों को दिए गए, और उससे अर्थव्यवस्था को किस प्रकार से और कितना मजबूती मिला है, थोड़ा इन चीजों पर आप प्रकाश डालें। जी जी जी, देखिए सरकार ने जो केंद्र सरकार है जी उसने राज्यों को करीब करीब मुझे लगता है 17,500 करोड़ का जी आर्थिक पैकेज या सहायता प्रदान की है जी, और दो तीन किस्तों में सरकार ने बहुत ही कहेंगे कि हैंडसम अमाउंट जी उन्होंने आर्थिक पैकेज के रूप में अनाउंस किया। पहले तो प्रधानमंत्री जी ने 20 लाख करोड़ का पैकेज अनाउंस किया, उसके पहले एक बार में 1,74,000 करोड़, फिर 3,70,000 करोड़ के आसपास, और फिर नेक्स्ट जो 4-5 दिन का जो प्रोग्राम था हमारी जो ऑनरेबल जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने डिटेल में बताया कि किस किस तरह से ये पैसा कहाँ कहाँ कैसे कैसे डिसबर्स होना है। तो इसका इम्पैक्ट ये पड़ा कि आप देखेंगे कि जो हमारा आर्थिक क्षेत्र है खास करके जो मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन और ट्रेडिंग एक्टिविटीज, फाइनेंशियल एंड रियल एस्टेट सेक्टर, उन सबको शॉर्ट टर्म में तो एकदम से तुरंत बेनिफिट नहीं होगा, इसमें समय लगेगा, टाइम लैग हर एक एक्टिविटीज जी, जी, जो जी, आप मेजर लेते हैं और उसका रिजल्ट आने में एक टाइम लैग होता है, पर मैं श्योर हूं कि इसका बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही एक साउंड इम्पैक्ट हमारी इकॉनमी पर होने वाला है आने वाले 6 महीने के अंदर में। जी, तो वर्तमान जो खतरा है या असीमित खतरा एक तरह से कह सकते हैं जिसका कोई तिथि निर्धारित नहीं है कब ये हमारे बीच से जाएगा, और इसके वजह से जो उत्पन्न परिस्थिति है उनके लिए जो ये सारे पैकेज दिए जा रहे हैं, जैसा कि आपने अभी बताया कि इन पैकेजों का परिणाम जो है अचानक से हमें नहीं मिलेगा, थोड़ा लॉन्ग रन में हमें वेट करना होगा, हमें देखना होगा, और समय के साथ निश्चित रूप से पॉजिटिव संकेत मिलेंगे। और सर, अगर हम आपसे ये जानना चाहें कि अगर इन चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार की तरफ से जो कदम उठाए गए इनके अलावे एक अर्थशास्त्री होने के नाते, विषय विशेषज्ञ होने के नाते, और क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं और क्या क्या किया जा सकता है ताकि हमारी अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हो सके? देखिए, इसमें अगर हम नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट आउटपुट और इनकम की बात करें, अगर सोचे हम जी, तो उसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, रियल एस्टेट सेक्टर और कंस्ट्रक्शन जी, तीन इम्पोर्टेंट जो है सेक्टर हैं जी। और उसमें मैन्युफैक्चरिंग में जो MSME है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज जी, इनका रोल काफी इम्पोर्टेंट है इंडियन इकोनॉमी में जी जी, और ओवर द इयर्स इनका कंट्रीब्यूशन आप मान लीजिए करीब करीब 35% GDP का ये कंट्रीब्यूट करते हैं जी, और करीब करीब मुझे लगता है कि 11.5 करोड़ लोग इसमें एम्प्लॉयड हैं जी। तो अभी क्या हुआ है कि MSME सेक्टर जो है वो करीब करीब बंद हो गए थे या बहुत ही लो कैपेसिटी पे काम कर रहे थे, तो उससे क्या हुआ कि उन्होंने वर्कर्स को जो है एक तरह से हटा दिया वहां से और उनको जो है रिट्रेंचमेंट कर दिया वहां से। कुछ तो वर्कर्स वॉलंटरली भी बीमारी फैलने की वजह से अपने गाँव की और अपने घरों की चले गए, आपने जैसे मीडिया भी देखा होगा कि मास एक्सोडस ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स हुआ जी, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि उनका फंक्शनिंग जो है, जो वर्किंग है MSME का काफी बैडली इंपैक्ट हुआ। तो सबसे पहला जो हमारा काम होना चाहिए, सरकार को भी इसमें मदद करनी चाहिए और हमें भी ये चाहिए कि किस प्रकार से हम MSME को रीस्टार्ट करें और दोबारा से उनको एनर्जाइज करके उनकी कैपेसिटी को, दोबारा से प्रोडक्शन का जो कैपेसिटी उसको रिस्टोर करें
और जब एमएसएमई में काम शुरू हो जाएगा तो मुझे लगता है कि जो ये इनकम आउटपुट अनएम्प्लॉयमेंट का जो प्रॉब्लम है ये सॉर्ट आउट काफी हद तक हो जाएगा। समय लग सकता है पर जरूर होगा। एमएसएमई के बाद जो दूसरा जो मैंने कहा कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, उसको सरकार ने खोला भी था, अनलॉक वन के पहले भी खोल दिया था जी, तो वहां से थोड़ा सा रिवाइवल हुआ है। और ट्रेड, होटल्स एंड रेस्टोरेंट, ये भी एक इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, इसमें थोड़ा वक्त लगेगा, इसको भी खोलते हैं तो लेकिन बहुत ही प्रिकॉशन के साथ, कहीं ऐसा ना कि ये हमारा जो ओपनिंग है इन सब चीजों का ये दोबारा से हमारे लिए काउंटर प्रोडक्टिव ना हो जाए। इन बातों को हमें जरूर ध्यान रखना है और हेल्थ इज मोर इम्पोर्टेंट देन इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। जी, अभी के प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में ये कहना चाहूंगा, अब इकोनॉमी को ओपन अप किया जाए लेकिन विथ अटमोस्ट प्रिकॉशन। जी जी, वर्तमान जो स्थिति है, निश्चित रूप से कहा भी जाता है कि जान है तो जहान है जी, और स्वास्थ्य की स्थिति जो अभी वर्तमान में दिख रही है, जिस तरह से सिचुएशन उत्पन्न हुए हैं, तो इन सबको मद्देनजर रखते हुए हमारी आर्थिक गतिविधियां और जो तमाम चीजें हैं इनसे जुड़े हुए, वो सारे भी सुचारू हो सके और स्वास्थ्य भी सही हो सके, तो जी इसके संदर्भ में आप क्या बता रहे हैं? इल इफेक्ट भी है उसका, इकोनॉमिक इल इफेक्ट, अगर बीमारी फैलती, आप देखिए इसी पैंडेमिक में सरकार के, हमारी भारतीय सरकार के भी और ऑल ओवर द वर्ल्ड, मतलब अरबों खरबों स्वाहा हो गए इसको जी, इससे निपटने के लिए। तो इसीलिए हेल्थ को है प्राइमरी इम्पोर्टेंस देना चाहिए और साथ साथ इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी मैक्सिमम केयर विद अटमोस्ट केयर भी उसको हमको शुरू करना चाहिए। इसमें बहुत ही सूझबूझ की जरूरत है सरकार की तरफ से भी और आम जनता की तरफ से। जी, अब हम आम लोगों की थोड़ी सी बात करते हैं। जो अभी आपने बात किया कि एमएसएमई और तमाम जो विनिर्माण सेक्टर हैं, उद्योग धंधे, कल कारखाने हैं, और जिनको कैसे खड़ा किया जाए पुनः ताकि हमारी अर्थव्यवस्था में जान आ सके, तो जो लोग इससे जुड़े हुए हैं, जो इनके संचालन में हैं या जो लोग इसमें काम कर रहे हैं डायरेक्ट रूप से कहा जाइए, तो वर्तमान में हम देख रहे हैं कि कई लोग मानसिक रूप से या आर्थिक रूप से बड़े कमजोर अपने आप को महसूस कर रहे हैं, क्योंकि स्थिति ही कुछ ऐसी उत्पन्न हो गई है, तो ऐसे में उनके लिए एक अर्थशास्त्री के नाते आपका क्या सुझाव होगा, क्या सलाह होगा, ताकि वे लोग पूरी एनर्जी और पूरी ताकत से पुनः एक बार उठ खड़े हों और इस चुनौती का भी सामना करें और अर्थव्यवस्था को भी पटरी पर लाने में अपनी भूमिका अदा करें। जी, इसमें जो है सबसे एक जो डेमोग्राफी हमारा जो अफेक्ट हुआ है इस पैंडेमिक के कारण, उसका थोड़ा सा हमको प्रोफाइलिंग करना पड़ेगा, उसमें गवर्नमेंट को थोड़ा एक्सरसाइज करना पड़ेगा कि उनकी इनकम प्रोफाइल क्या है, किस तरह के जो है लोग और कितना जो है वो इम्पैक्टेड हुए हैं जी, क्योंकि इसके डेटा कलेक्शन किसी भी सक्सेसफुल पॉलिसी फॉर्मुलेशन और इम्प्लीमेंटेशन के लिए डेटा का बहुत ही अहम रोल है। और मुझे तो लगता है कि विदाउट राइट काइंड ऑफ द डेटा कलेक्शन आप कोई भी पॉलिसी फॉर्मुलेशन या इम्प्लीमेंटेशन सक्सेसफुली नहीं कर पाएंगे। अगर आप करते हैं तो उसका रिजल्ट आपको, डिजायरेबल रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। तो इस फ्रंट पे थोड़ा सा गवर्नमेंट को या अदर एजेंसीज को काम करना चाहिए कि उनका इनकम प्रोफाइल किस तरह का रहा है, क्या उनका कंजम्पशन का हैबिट रहा है, उसके बेसिस पे कुछ एक मिनिमम इनकम, मैंने नंबर वन में जो मेजर बता रहा हूँ, एक मिनिमम इनकम सपोर्ट या इनकम जो है उनके हाथ में सरकार को देने का कुछ इंतजाम करना चाहिए। दूसरा जो इम्पोर्टेंट काम, स्किल मैपिंग, क्योंकि लोग अब तो कई जगह डिस्प्लेस हो गए हैं, स्किल मैपिंग करके वो सेंट्रल लेवल पर भी, स्टेट लेवल पर भी, और इसमें यूपी गवर्नमेंट ने कुछ काम किया है, अच्छा काम किया स्किल मैपिंग का जी। तो स्किल मैपिंग से क्या होगा कि ये पता लग जाएगा कि हमारे पास, सरकार के पास या लोकल लेवल पे वर्क अपॉर्चुनिटीज किस तरह के हैं, कितने हैं, उसका डायमेंशन क्या है, उसका नेचर क्या है, और जो हमारा स्किल जो अवेलेबल है लोगों के पास वो किस तरह का है, और हम कौन से स्किल को कहाँ पे फिट कर सकते हैं। मेरा इशारा उस तरफ है कि क्या हम लोकल लेवल पे उनको वर्क अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अगर ऐसा होता है तो ये इसको प्रॉब्लम को हम कम आउटपुट एम्प्लॉयमेंट का सॉल्व कर सकते हैं बिना बहुत ज्यादा लोगों के फिजिकल मूवमेंट के। जी, निश्चित रूप से आपने बड़ी अच्छी बात बताई कि एक स्किल मैपिंग हो और एक हमारे पास डेटा बेस हो, क्योंकि हम लोगों ने देखा मीडिया में भी ये बहुत सारी खबरें आई लॉकडाउन के दौरान, जब कई प्रदेशों से मजदूर अपने घरों को अपने प्रदेश या अपने जनपद में पलायन कर रहे थे, सरकारों के पास अपनी एक डेटा नहीं थी कि कितने हैं वहाँ पे लोग और किस फील्ड में हैं,
तो इससे निश्चित रूप से एक फायदा तो ये होगा ही सरकारों को कि हमारे पास कितने मैन पावर हैं, कितने वर्कफोर्स हैं और कहाँ कहाँ किस रूप में लगे हुए हैं, ताकि और उसमें भविष्य कितने में भी, लोकल हैं, कितने लोकल हैं और कितने माइग्रेंट हैं। जी, ताकि उनका भविष्य में भी हम सही से यूटिलाइज कर सकें, सदुपयोग हो सके। अब सर एक बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है और हम थोड़ी सी उस पे आपके विचार जानना चाहेंगे। कई दफा माननीय प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों से आह्वान किया है कि हम आत्मनिर्भर भारत बनाएं, भारत को सशक्त बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा, यह समय की मांग है। इस पैंडेमिक ने हमें यह सीख दिया है और इसको लेकर प्रधानमंत्री जी का कई बार आह्वान हो चुका है और उन्होंने कई मौक़ों पर यह भी कहा कि हमें आपदा में अवसर तलाशने की ज़रूरत है, वोकल फॉर लोकल होने की ज़रूरत है। तो इन सब मंत्रों को आप किस रूप में देख रहे हैं और इन सब चीज़ों को कैसे हम आत्मसात करें, आम जो श्रोता हैं या जो लोग उद्योग धंधे कल कारखाने तमाम चीज़ों से जो लोग जुड़े हुए हैं आर्थिक गतिविधियों से, उनके लिए ये सारे मंत्र कैसे कारगर हैं और इनको कैसे अपनाया जा सकता है? जी, तो इसमें देखिए प्रधानमंत्री जी की जो मंशा रही है वो ये रही है कि किस प्रकार से पैंडेमिक में हमारे जो है लोकल प्रोडक्ट्स ने, लोकल प्रोडक्ट्स मतलब गुड्स और सर्विसेज दोनों, जी से उन्होंने रेस्क्यू किया है या किस प्रकार से कहेंगे कि सहायता किया है लोगों का यहाँ पे, पूरी अर्थव्यवस्था को या आम जनता को जी उनके जीवन यापन को आगे बढ़ाने में इतने संकट के बावजूद ही। तो उन्होंने ये आह्वान किया है कि भाई आप जो है जो हमारा लोकल प्रोडक्ट्स है उसके इम्पोर्टेंस को समझिए, है जी ना। अगर हम लोकल प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड रहेंगे ज्यादा से ज्यादा या उनको प्रमोट करेंगे तो क्या होगा कि हमारा फॉरेन जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर हमारा डिपेंडेंसी कम होगा और फॉरेन प्रोडक्ट्स के ऊपर डिपेंडेंसी कम होने से क्या होगा कि जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग है या जो सर्विसेज सेक्टर है ये लोकली ग्रो करेगा जी और जब लोकली ग्रो करेगा तो उसका एक होता है कि वैल्यू जो क्रिएशन होगा डिफरेंट लेवल्स ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटीज पे वो फिर वो ट्रिमेंडस होगा। जी तो उसका क्या होगा, देखिए उन्होंने अगर ये कहा कि वोकल फॉर लोकल, ये नहीं कहा कि इम्पोर्ट बिल्कुल भी बंद हो जाएगा क्योंकि वो किसी भी कंट्री के लिए आज के ग्लोबलाइज जमाने में जी बिल्कुल भी अपने आप को दरवाजे को शट डाउन करने बंद कर देने वाली स्थिति में कोई भी कंट्री नहीं है। बड़े से बड़ा देश, बड़े से बड़ा विकसित देश जो है वो ऐसा नहीं कर सकता है। जो इंटरनेशनल लिंकेज हैं फॉर दी मूवमेंट ऑफ गुड्स सर्विसेज टेक्नोलॉजी कैपिटल ये तो होना ही होना है, ये तो होना ही चाहिए और उससे क्या होता है कि सारे देश का इसमें भला है, सभी का डेवलपमेंट होता है। जी, लेकिन उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई हमारा जो देश है या इकोनॉमी है बिल्कुल वल्नरेबल हो जाए, किसी दूसरे कंट्री के ऊपर इतना ज्यादा डिपेंडेंट हो जाए कि कभी कोई ऐसी अनप्रेसिडेंटेड स्थिति आती है या हमारे जो है जो अंतर संबंध अगर खराब होते हैं तो हमारा इकोनॉमी जो है बुरी तरह से प्रभावित हो जाए। जी, उस हद तक हमें डिपेंडेंट उन इंटरनेशनल इकोनॉमी पे नहीं रहना है। इंटरनेशनल रिलेशन रहेंगे, इकोनॉमिक कोऑपरेशन भी रहेंगे, लेकिन हम भी अपने शर्तों को डिक्टेट कर सकें, हमें अपने अर्थव्यवस्था को इस हद तक मजबूती प्रदान करनी है और वो तभी होगा जब हम वोकल फॉर लोकल होंगे। इसमें समय लगेगा, इसमें बहुत ज्यादा एफर्ट या प्रयास करने की जरूरत है कि किस प्रकार से हम लोकल प्रोडक्ट को, उसमें अगेन मैं कह रहा हूँ एग्रीकल्चर सेक्टर कैन प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इसको लोकल को वोकल बनाने में और एमएसएमई भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, उसको उनको मजबूती देने की जरूरत है। जी प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आज जो बड़े बड़े जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन के द्वारा जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए जा रहे हैं जी, वो भी कभी लोकल थे, वो भी कभी छोटे लेवल पे थे और ये बड़े ये सच्चाई है जी, आज जो बड़ी कंपनियां बनी है जो लार्ज साइज कंपनी बनी है वो कभी टीनी कंपनी थी, फिर स्मॉल स्केल की पे आई, फिर जो है मीडियम स्केल पे आई, तब जाकर के वो आज जो है वो बड़े बड़े जायंट जो है वो कंपनी बने हैं। तो इन्होंने एक प्रधानमंत्री जी ने एक प्रोसेस की बात की है कि किस प्रकार से अगर हम आज से शुरुआत करते हैं, आज से सोचते हैं कि किस प्रकार से लोकल प्रोडक्ट को बढ़ावा दें, लोकल प्रोडक्शन प्रोसेस को बढ़ावा दें तो हम उस लेवल तक पहुंच सकते हैं, उसको हम डिपेंडेंसी जो है हमारा वो वल्नरेबल न रहे, डिपेंडेंसी हमारा कहेंगे हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस पे रहे अगर होता है तो। जी, तो इसके संदर्भ में जो आम श्रोता हमें आज सुन रहे हैं और जो लोग भी आर्थिक गतिविधियों में लगे हुए हैं,
तो उनसे आप क्या कहना चाहेंगे कि उन्हें इन सब चीजों को किस रूप में लेना चाहिए और इससे कितना वे लोग लाभ ले सकते हैं? इसके दो स्टेक होल्डर हैं, देखिए पहला है प्रोड्यूसर साइड में, प्रोड्यूसर साइड में कह रहा हूँ तो उसमें डिस्ट्रीब्यूटर सेलर सभी हैं। जी जी। और दूसरा है कंज्यूमर साइड। तो देखिए प्रोड्यूसर साइड को थोड़ा सा ये सोचना चाहिए कि किस प्रकार से हम अपना जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज को कैरी आउट करें इस तरह से कि उसमें एलिमेंट ऑफ एथिक्स भी हो। एलिमेंट ऑफ एथिक्स का मतलब ये है कि प्रॉफिट को, जो प्रॉफिट है उनका, अगर वो मतलब देशभक्ति के भावना से चीजों को सोच रहे हैं या वोकल फॉर लोकल को प्रमोट करना चाहते हैं, तो उसमें जो प्रोड्यूसर हैं इंक्लूडिंग सेलर्स एंड जो रिटेलर्स हैं या डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उनको एथिकल ग्राउंड पर भी थोड़ा सा अपने बिजनेस को लेकर के चलना पड़ेगा कि कैसे हम कम से कम मुनाफे कमा करके अपने देशवासियों को हम वो वस्तुएं या सेवाएं या जी जी। दूसरी तरफ जो कंज्यूमर हैं उनको भी ये सोचना पड़ेगा उस भावना से कि अगर हमें थोड़ा सा मार्जिन बहुत ज्यादा नहीं, मार्जिनली अगर हमें देसी प्रोडक्ट को या लोकल प्रोडक्ट खरीद करके थोड़ा ज्यादा रेट पर भी, तो हमको उसी को प्रमोट करना चाहिए। और जैसे कैसे है कि हम बाजार जो है दूर नहीं जाएंगे, अगर थोड़ा सब्जी हमें सस्ता ही मिल रहा है तो हमारे जो है रेहड़ी पटरी वाले जो हमारे सोसाइटी के गेट के बाहर लगा है हम उससे खरीदेंगे, जो हमारी सोसाइटी में आके हमें सब पहुंचा देता है हम उससे खरीदेंगे, बेशक थोड़ा सा ज्यादा ही रेट लेता है। तो ये भावना कंज्यूमर के अंदर भी थोड़ी सी डेवलप करनी पड़ेगी। और जो मैंने प्रोड्यूसर साइड में कहा उसको भी वहाँ पे एथिकली थोड़ा चीजों को प्ले करना पड़ेगा। मतलब कुल मिलाकर उत्पादक और उपभोक्ता दोनों लोगों को सोचना होगा इन सब चीजों को आत्मसात करने के लिए और राष्ट्र को सशक्त बनाने के लिए। क्वालिटी और प्राइस में अगर बहुत ज्यादा का डिफरेंस होगा तो कंज्यूमर इज द किंग इन दिस ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड, ऑब्वियसली बात है। जी जी। पाएंगे उसको आप जो है लोकल के लिए खरीदने के लिए आप मजबूर नहीं कर सकते हैं, आपको खुद भी एज ए प्रोड्यूसर रिटेलर ट्रेडर आपको रेस्पॉन्सिबली अपने प्रोडक्टिव एक्टिविटीज को कैरी आउट करना पड़ेगा रेस्पॉन्सिबली। जी जी। ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में और जो वैश्विक बाजार है उसको ध्यान में रखते हुए हमें अपने उत्पादों को भी और उत्कृष्ट बनाना होगा और प्राइस के लेवल पर भी हमें उनके टक्कर में कहीं ना कहीं अपने आप को फिट बैठाना होगा ताकि जो हमारे लोकल कंज्यूमर हैं, चाहे हमारे जो लोग अपने कस्टमर हैं, वे हमसे बने रहें। जी जी। और एज ए कंज्यूमर हमें भी सोचने की जरूरत है उत्तरदायित्व के साथ कि किस प्रकार से हम जो लोकल प्रोडक्ट हैं, जो लोकल हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, हम क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, कैसे हम उसको जो है प्रमोट कर सकते हैं, ये हमें भी सोचना पड़ेगा। जी 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 जी। तो सर ये वर्तमान जो परिदृश्य है और ये कोरोना का जो खतरा है एक तरह से COVID-19 महामारी का हमारे बीच से अभी खत्म हुआ नहीं है, लगातार प्रयास जारी हैं, इससे बचने के उपाय तमाम किए जा रहे हैं और इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आर्थिक मोर्चे पर हमारा देश कैसे सशक्त हो सके, कैसे मजबूत बन सके और हम स्वयं को भी आर्थिक रूप से कैसे सुदृढ़ कर सके अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए, अंत में सर आप क्या कहना चाहेंगे? अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि सबसे पहले अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, सबसे पहला सेफ्टी शुड बी द फर्स्ट कंसिडरेशन, प्राइम कंसिडरेशन होना चाहिए हमारा सेफ्टी, हमारा गुड हेल्थ। इसके बाद जो डिफरेंट इकोनॉमी के हमारे सेक्टर्स हैं, खास करके आपका एग्रीकल्चर सेक्टर, देन आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर और पर्टिकुलरली दी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सर्विसेज सेक्टर, इन तीनों में हम किस प्रकार से मजबूती ला सकते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए सरकार ऑलरेडी काफ़ी प्रयासरत है और उसको और ज़्यादा मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर में वैल्यू एडिशन एक इम्पॉर्टेंट जो बात है कि एग्रीकल्चर सेक्टर हमने पहले मान लेते थे कि गेहूं चावल हुआ, उत्पादन हुआ, उसको जो है किसान बाजार में बेच आया, चाहे लोकल ट्रेडर्स को बेच दिया, उसका कुछ अपना इनकम हो गया, फिर अगले साल वही कार्यक्रम चलता रहा। ऐसे इस तरह से करने से एग्रीकल्चर सेक्टर का बहुत ज्यादा भला नहीं होने वाला है। उसको करने के लिए हमें उसमें एग्रीकल्चर सेक्टर में और वैल्यू एडिशन किस किस स्टेज पर हो सकता है ये उपाय हमें करने पड़ेंगे, किसानों को इस बारे में हमें जागरूक करने की जरूरत है। बहुत सारे कदम उठाए जा रहे हैं उसमें जी जी। और जो खास करके एग्रीकल्चर मार्केटिंग अभी भी उसमें बहुत सारी त्रुटियां हैं जी, उनको ठीक करने की जरूरत है। अगर प्रोड्यूसर और आपका जो जहां पे प्रोड्यूसर मतलब किसान और मार्केट जी, इसके बीच का जो समस्या है अगर वो खत्म हो जाएगा
तो जो कह रहे हैं 2022 में प्रधानमंत्री जी किसानों की आय को हम दुगनी करेंगे, उसमें बहुत ज्यादा मुझे लगता है कि मदद मिलेगी। और डायरेक्ट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को सेल करने के बजाय उसको हम प्रोसेसिंग और कैसे कर सकते हैं, वैल्यू एडिशन और कैसे कर सकते हैं, तो ना केवल किसानों की बल्कि जो किसान और जो मार्केट में ट्रेडर्स हैं उसके बीच भी बहुत सारे लोगों को इस वैल्यू एडिशन के कारण रोजगार मिलेगा और आय का सृजन होगा, और वो फिर उसका चेन रिएक्शन फिर होता है, वो फिर सर्कुलर फ्लो में चीजें चलती हैं और वो फर्दर दूसरे और इकोनॉमिक एक्टिविटीज को प्रमोट करने में, उसको बूस्ट करने में काफी सहायक साबित होंगी। ये बात होगी एग्रीकल्चर सेक्टर की। दूसरा फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में मैं कहूंगा खास करके एमएसएमई के ऊपर फोकस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एमएसएमई कहेंगे कि लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट, एक कहेंगे कि चेन की तरह काम करते हैं, उनको एंसिलियरी यूनिट के तौर पर काम करते हैं, बहुत सारा स्पेयर पार्ट्स है, बहुत सारा इनपुट्स है वो प्रोवाइड करते हैं, तो लार्ज स्केल इंडस्ट्री के ग्रोथ के लिए भी एमएसएमई का ग्रोथ होना बहुत जी इन सारी चीजों पर एक व्यापक गहन और चिंतन की आवश्यकता है कि बीच में जो सारी त्रुटियां हैं उत्पादक और उपभोक्ता के बीच में या मार्केट और प्रोड्यूसर के बीच में, इन सब चीजों को सुधार करते हुए अब हर लेवल पे जागरूकता की आवश्यकता है और अवसर और संसाधन उपलब्ध कराने की भी जरूरत है। इन तमाम चीजों को अगर हम आत्मसात करें तो निश्चित रूप से इसका व्यापक और बहुआयामी प्रभाव हमारे अर्थव्यवस्था पर जल्द ही दिखने लगेगा। आज हमसे जुड़ने के लिए और इस विषय पर इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए प्रोफेसर भरत सिंह जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि मैं कुछ अपनी बात आज आकाशवाणी के माध्यम से रख पाया। धन्यवाद। ना बीवी ना बच्चा ना बाप बड़ा ना मैया, द होल थिंग इज दैट के भैया सबसे बड़ा रुपया। ना बीवी ना बच्चा ना बाप बड़ा ना मैया, द होल थिंग इज दैट के भैया सबसे बड़ा रुपया। बिन रुपया तो मिस्टर तेरी मम्मी का प्यार, जो पैदा करता तुझे तो कभी न कर सकता मेरे यार। डॉक्टर लौट जाता फी न मिलती अगर, तू माँ के पोते के अंदर पड़ा ही रह जाता हर बार। जो किया जिसने पैदा वो ईश्वर है ना मैया, द होल थिंग इज दैट के भैया सबसे बड़ा रुपया। खाली अगर तू मर गया मेरी जान, नादनी तुझको छुएगी न धरती ही देगी मान। ये है मेरे भाई ये खुदाओं का घर, तेरी दौलत ने बनाया तो हुए खुश अल्लाह भगवान। दुनिया के खातिर जोड़े जा आना पैया, द होल थिंग इज दैट के भैया सबसे बड़ा रुपया। एक लीडर को देखो ही इज लुकिंग सो वेरी ग्रैंड, उड़ाता फिरता डिनर है इन द होटल सन एंड फैन। उसके लड़के की शादी देखे जाइए न पूछ, कहां से आया ये हॉथी फ्रॉम वेयर दिस इंग्लिश मैन। आज कहां का नेशन काहे की धरती मैया, द होल थिंग इज दैट भैया सबसे बड़ा रुपया। सबसे बड़ा रुपया, सबसे बड़ा रुपया, सबसे बड़ा रुपया, सबसे बड़ा रुपया। Thank you.